बायोब्लास्ट में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम इकोसिस्टम चैप्टर जो है कवर कर रहे हैं और इकोलॉजिकल पिरामिड जो है हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके पहले के सारे चैप्टर हमने कवर कर दिए हैं। अभी हमने यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया है, एक साथ ही मैं करूँगा इसको लाइव, ठीक है। तो अभी ये ख़त्म होगा तो आज रात में सुबह तक आपको ये चैप्टर सारे मिल जाएंगे। बाकी सब लोगों ने भी पढ़ाया है और अच्छे लोग भी पढ़ाने वाले हैं यूट्यूब पर। ऐसा नहीं कि सब लोग मतलब केवल काम चलाओ चीज़ें करते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं है तो कुछ कुछ चीज़ें जो है हमने देखा गलत भी पढ़ा देते हैं और उसको रेक्टिफाई नहीं करते हैं। पढ़ाना या बाई मिस्टेक चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी, लेकिन इफ़ यू डू नॉट रेक्टिफाई योर मिस्टेक ना तब प्रॉब्लम है, ठीक है। सो इकोलॉजिकल पिरामिड मैं ये बता इसलिए रहा हूँ कि मेरे लेक्चर्स को आप देखिए और समझिए कि मतलब अच्छा किस लेवल पे मेरा लेक्चर जो है बेहतर है लोगों से, अगर है तो, और नहीं है तो भी बताइए कि भाई बेहतर नहीं है। क्योंकि अभी तक मैं ऐसा देखा हूँ कि जो पढ़ने वाले लोग हैं, ठीक है, उनको अगर मैंने एक बार कोई चीज़ बता दी है इस तरीके से तो उनको कभी भूली नहीं है, और जो नहीं पढ़ने वाले हों तो ऑब्वियस सी बात है नहीं पढ़ने वाले हैं। और आप किस कैटेगरी में हैं ये आप खुद जान सकते हैं। अगर आपको लगता है तो आप एक बार लेक्चर देखिए, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए। अगर सारी चीज़ें क्लियर ना हो गई एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से तो फिर कहिएगा। आपका क्वेश्चन कन्वर्ट होना चाहिए। आप यहाँ से लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़ लीजिए एक बार बस अपने से, उसके बाद क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन भी मैं करवाऊँगा। ये चैप्टर जब पूरा ख़त्म हो जाएगा ना, इसका एक यूनिट और बचा है बायोडाइवर्सिटी, जब वो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर मैं यहाँ से क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। तो यहाँ वर्ड है पिरामिड और इकोलॉजिकल, ठीक है, मतलब इकोलॉजी के लिए बात कर रहा है, मतलब इकोसिस्टम या इकोलॉजी के लिए बात कर रहा है, ठीक है। और पिरामिड स्ट्रक्चर जो है गीज़ा का पिरामिड, जो मिस्र या गीज़ा का पिरामिड है, आपको ऐसे देखने को मिलता है। पिरामिड होता क्या एक्चुअली में, यहाँ पे भी कब्र होती है, जैसे टूम होता है ना, ठीक है, मुस्लिम रूरल और उसके इस्लाम के केस में ऐसे होता है ना, ग्रेव्स जो होती हैं, तो बड़े बड़े रूरल जो पहले के रहते थे उनके पास इतना पैसा रहता था, अपना टूम्ब बनवाते थे। अरे भाई ताजमहल क्या है, टूम्ब भी तो है, ठीक है, टूम्ब या टॉम ऑफ जो भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि अरे वो बनवाया गया है आपके अट्रैक्शन घूमने के लिए खाली, नहीं नहीं वहाँ अंदर टूम्ब है। वैसे ही पिरामिड्स भी होता है, यहाँ पे ममीज़ को रखा जाता था, मूवीज़ आपने देखा होगा तो देखा होगा, ठीक है, यहाँ मिलती हैं इसके नीचे आजकल, ये भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, समझ रहे कि नहीं, सेवन वंडर्स में आता है ये भी। सो ये पिरामिड आपको ना ऐसे ढूंढने मत लगेगा कि जंगल में पहुंच गए आप तो जंगल में पिरामिड ढूंढना है। नहीं भाई, जंगल में पिरामिड मूवियों में दिखाया जाता है, जहाँ पे वो ट्रेजर हंट में जाते हैं, ठीक है, कि यहाँ नीचे पिरामिड दबा हुआ है, ऊपर जंगल है, तो वहाँ खुद खुदाई करते हैं। ऐसा सीन यहाँ पे नहीं है। ये एक्चुअली में फूड जो चेन थी, जो अभी हमने इसके पहले पढ़ा था फूड चेन, उसी के बेसिस पे ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश की गई थी कि पिरामिडिकल स्ट्रक्चर देखने को हमको मिलता है। ऐसा नहीं कि हमेशा ये इसी टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिले, स्ट्रक्चर चेंज भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और किसी किसी केस में स्ट्रक्चर ऐसे भी देखने को मिल सकता है, बीच में प्रोड्यूसर्स रहेगा, ऊपर नीचे ऐसे चीज़ें हो सकती हैं, समझ रहे हैं ना। सो इसकी स्टडी सबसे पहले किसने किया था आपको यहाँ याद नहीं रखना है, लेकिन नाम मैं बता देता हूँ, चार्ल्स एल्टन ने, चार्ल्स एल्टन, ELTON, ठीक है, इन्होंने किया था। ये कब, 1927 के अराउंड है शायद, आप डेट चेक कर लीजिएगा एक बार, चार्ल्स एल्टन 1927, ठीक है। इसीलिए इकोलॉजिकल पिरामिड को ना एल्टोनियन पिरामिड भी बोलते हैं। क्या, एल्टोनियन पिरामिड, समझ रहे हैं ना। इन्होंने एक्चुअल में खाली कोरोलरी जो है ना, कोरोलरी जो है डेवलप किया था, मतलब इसके रिफरेंस में चीज़ें डेवलप की थी कि अच्छा ऐसा स्ट्रक्चर हमारे इकोसिस्टम में भी देखने को मिलता है, उसको उन्होंने पिरामिड बोल दिया, और इकोसिस्टम की बात थी तो इकोलॉजिकल पिरामिड हो गया। क्लियर है कि नहीं, इसी को इकोसिस्टम के पिरामिड भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में यही होता है कि सबसे बेस जो होता है इसका चौड़ा होता है, देखिए ब्रॉड है ना, बेस ब्रॉड है, लेकिन टिप पे जाते जाते क्या हो रहा है, पतला होता जाता है, टैपरिंग हो रही है, ठीक है, टैपरिंग हो रही है। क्लियर है कि नहीं। वन गेट्स अ सिमिलर शेप वेदर यू एक्सप्रेस द फूड और एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। तो अभी हमने पढ़ा था ना डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3,
ट्रॉफिक लेवल 4, ठीक है, ऐसे हमने पढ़ा था। तो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, यहाँ चौड़ा है और यहाँ टेपर्ड है, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। और ये हो क्या रहा है, एक्चुअली में हो क्या रहा है, रीजन क्या है, एनर्जी जो है हर लेवल पे जाते जाते केवल 10% ट्रांसफ़र हो रही है, इसलिए वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो रियल में अगर किसी स्ट्रक्चर मतलब इकोसिस्टम के फंक्शन को समझना हो ना, तो आप वहाँ पे जो एनर्जी का स्टेटस है, ठीक है, यही सबसे ट्रू ट्रू जो इकोलॉजिकल फंक्शन या इकोलॉजिकल जो क्या बोलते हैं उसको, बैलेंस को बता सकता है, स्पेशली इकोलॉजिकल फंक्शन, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन पढ़ रहे हैं ना। तो इसमें एनर्जी वाला जो पिरामिड है, एनर्जी का स्ट्रक्चर जो है ना, एनर्जी ट्रॉफिक लेवल, हर ट्रॉफिक लेवल पे अगर एनर्जी हम क्या बोलते हैं कैलकुलेट कर लिए किसी भी तरीके से, सो यही सबसे बेस्ट जो है ना रिलेशनशिप हमको बताएगा कि एक ट्रॉफिक लेवल दूसरे ट्रॉफिक लेवल से कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर में एनर्जी सबसे बेस्ट स्टेटस बताते हैं कि कोशिश करता है, उसी से हमको पता चलता है। दिस रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर, बायोमास और एनर्जी। तो ये जो रिलेशनशिप है ट्रॉफिक लेवल पे रिलेशनशिप है, तीन लेवल तीन तरीके से हम इसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एक नंबर के बेसिस पे, एक बायोमास के बेसिस पे, एक एनर्जी के बेसिस पे। क्लियर है, एनर्जी के बेसिस वाला ही मैंने बताया कि 10% हर लेवल पे ट्रांसफ़र होता है ओनली, जो भी टोटल एनर्जी उस पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे अवेलेबल होगा उसका 10% ही केवल ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो इसीलिए टेपर होता जाता है। बायोमास का क्या मतलब है, बायोमास का भी वही टर्म्स है कि भाई प्रोड्यूसर लेवल पे अगर कोई चीज़ है तो इसका बायोमास क्या है, कंज्यूमर लेवल पे कोई चीज़ है तो इसका बायोमास क्या है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रोड्यूसर्स का टोटल बायोमास हम निकालते हैं तो बायोमास जो है कम आ गया प्रोड्यूसर का, और जो कंज्यूमर होता है इनका बायोमास क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं। एक्वेटिक इकोसिस्टम में ऐसा देखने को मिलता है, क्यों, जितने फाइटोप्लैंक्टन है उसको सारे को इकट्ठा कर लोगे ना तो उसका बायोमास कम होगा, लेकिन जो कंज्यूमर्स जो बिग फिशेस हैं, ठीक है, बिग फिशेस, उनका बायोमास बहुत ज़्यादा होता है। तो ये पिरामिड कैसा हो गया ऐसा, ठीक है। तो ऐसे टाइप से जहाँ पे बेस जो है छोटा हो गया, ठीक है, और जो कंज्यूमर का साइज है वो बढ़ गया, साइज का मतलब वेट बढ़ गया, बायोमास बढ़ गया, तो इस केस में ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड पिरामिड। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड इकोलॉजिकल पिरामिड। तो हमको पिरामिड दोनों टाइप के दिखते हैं, अपराइट भी दिखते हैं और इन्वर्टेड। तो ये वाला जो टाइप है ना, ये अपराइट है, अपराइट, जिसमें बेस पे जो प्रोड्यूसर है ये हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है, ये इन्वर्टेड है। तो तीन बेसिस पे करते हैं, नंबर के बेसिस पे, बायोमास के बेसिस पे, एनर्जी के बेसिस पे, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि नंबर और बायोमास का जो पिरामिड होगा ना, नंबर और बायोमास का पिरामिड, ये और ये अपराइट भी हो सकता है किसी इकोसिस्टम के लिए, एंड इन्वर्टेड भी हो सकता है। मतलब एक ही इकोसिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के लिए नंबर पिरामिड अपराइट भी हो सकता है और किसी दूसरे इकोसिस्टम के लिए इन्वर्टेड भी हो सकता है, सेम बायोमास के साथ है। लेकिन एनर्जी पिरामिड ना हमेशा अपराइट होगा, ऑलवेज अपराइट, समझ में आया ना। और इसका रीजन वही है, 10% लॉ, क्लियर है। इसीलिए ये ट्रू पिक्चर देता है, इसीलिए ये ट्रू पिक्चर देता है किसी भी इकोसिस्टम का। द बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट दी प्रोड्यूसर, हमने बता दिया जो बेस होता है प्रोड्यूसर्स या फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, पहले ही पढ़ लिए हैं। वाइल द एपेक्स जो होता है वो क्या करता है, टर्सरी या टॉप लेवल कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करता है, जो भी हो, ठीक है। ये फर्स्ट की बात कर रहा है और एपेक्स की, एपेक्स कौन सा होगा, सबसे टिप पे जो होता है। द थ्री टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड दैट आर यूजुअली स्टडीड आर पिरामिड ऑफ नंबर, अभी बता दिया, पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, यही तीन, नंबर, बायोमास एंड एनर्जी। अब यहाँ दिया हुआ है, देखिए नीचे भी देख लीजिएगा और इसी से क्वेश्चन बनेगा, इसके और भी एग्जाम्पल होंगे लेकिन आपको जो यहाँ दिया हुआ है उसी के बेसिस पे क्वेश्चन बनेगा। तो प्लीज़ डू रिमेम्बर, पिरामिड ऑफ नंबर दिया है किस इकोसिस्टम के लिए, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए। अब सोचिए ग्रासलैंड में जो नंबर होगा प्रोड्यूसर्स का बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा ग्रासेस हैं, ठीक है, और ग्रासेस, ये ग्रास है, इनका नंबर ज़्यादा होगा, क्यों। अब मान लीजिए यहाँ रैबिट आ गया, हर्बीवोर है, RABIT हो, रैबिट या कुछ भी और डियर ले लीजिए, ठीक है, ये घास पे ही फीड करेगा ना, घास पे, ठीक है, ग्रासेस पे हर्बीवोर्स हैं,
तो और हर्बीवोर कोई भी आएगा, तो इस ग्रासेस से नंबर तो इनका कम होगा, तो प्राइमरी कंज्यूमर का नंबर कम हो गया, ठीक है, तो ये छोटा हो गया, ट्रॉफिक लेवल में जो बॉक्स बनाए छोटा साइज का हो गया। सेकेंडरी कंज्यूमर पे पहुँचे, तो सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब जो इनको खाने वाले हैं, तो हमने भी पढ़ा है पहले कंपटीशन और कोएग्जिस्टेंस वाले में पढ़ा है कि जो जो प्रीडेटर्स होते हैं, ठीक है, प्रीडेटर्स जो होते हैं, प्रीडेटर्स जो होते हैं बड़े क्या होते हैं, बड़े प्रूडेंट होते हैं, ठीक है, ये वर्ड एनसीईआरटी का है, ये इसका मतलब क्या था, वाइज। तो इसकी वजह से प्रीडेटर का नंबर कंपेरेटिवली जो होता है कम होता है किसके, प्रे के कंपेयर में, ठीक है, तो इसीलिए सेकेंडरी कंज्यूमर और कम हो गया। सेम केस जाता है टर्सरी के लिए, इसका नंबर और कम हो जाएगा। तो पिरामिड देख रहे कैसा बनाना, कैसा बना, अपराइट, तो इसको अपराइट पिरामिड बोलेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि पिरामिड ऑफ नंबर इन केस ऑफ ग्रास लैंड इज अपराइट, यही ध्यान रखना है इसमें। ये मत ध्यान रखिए, इसको ध्यान रखने की शायद ज़रूरत नहीं है क्योंकि तो ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे, दूसरा क्या है, पिरामिड ऑफ बायोमास शोज अ शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉफिक लेवल, ये पिरामिड ऑफ बायोमास है, ठीक है, किसके केस में दिया हुआ है, यहाँ ट्रॉफिक लेवल, यहाँ ड्राई वेट दिया हुआ है, ए है और बी है, ठीक है। तो ये बात क्या कर रहा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो पिरामिड ऑफ बायोमास की बात कर रहा है, ये भी अलग अलग जगह पे है, लेकिन नॉर्मल केसेस में, ये फॉरेस्ट की अगर बात कर रहा है सपोज, तो फॉरेस्ट के केस में सबसे ज़्यादा बायोमास प्लांट का होगा, प्रोड्यूसर्स का होगा, ये फॉरेस्ट की बात अगर मान लो कर रहा है तो, या ग्रासलैंड की बात कर लो सपोज, ठीक है। सो ये बोल रहा है कि जैसे ही हायर ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं बायोमास बहुत तेज़ी से डिक्रीज करता है, जैसे फॉरेस्ट में जितने प्लांट है सबका बायोमास बहुत ज़्यादा है भाई, उसमें जो हर्बीवोर होगा उसका बायोमास बहुत कम हो जाएगा, जो सेकेंडरी कंज्यूमर है जो कार्निवोर है, ये हर्बीवोर है, कार्निवोर है, ये भी टॉप कंज्यूमर है, तो बायोमास ना बहुत शार्पली डिक्रीज होता है, ठीक है, तो उसका जो बॉक्स है बॉक्स का साइज उसी के हिसाब से कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये भी पिरामिड कैसा बन रहा है, अपराइट, ठीक है, अपराइट पिरामिड बन रहा है। तो ये अगर फॉरेस्ट की बात करते हैं तो इसका पिरामिड नॉर्मली अपराइट ही बनेगा, लेकिन यही अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर दिए तो, दिया है कि नहीं एक्वेटिक का, एक सेकेंड देख लेते हैं, हाँ दिया तो है, देखिए एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन्स, यहाँ पे देखिए फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, और जो कंज्यूमर होगा प्राइमरी कंज्यूमर क्या होगा, जू प्लैंक्टन, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे हमने लिख दिया है उल्टा, ठीक है, एक सेकेंड होल्ड ऑन, प्रोड्यूसर कौन है, यहाँ पे लिखा है ना, तो ये क्या है, फाइटो है, एक्चुअली मैं नंबर की बात नहीं कर रहा है ना, और ये क्या है, जू है, ठीक है, जू प्लैंकटन। तो फाइटो का जो बायोमास है, ये देखिए बायोमास स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप फाइटो प्लैंकटन सपोर्ट लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जू प्लैंकटन, ठीक है, और ये एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर रहा है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में बायोमास की बात कर रहा है, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में बायोमास का जो पिरामिड होगा कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। इसका पूरा स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ क्या होगा, नीचे फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे क्या आएगा, जू प्लैंक्टन, ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे, बायोमास की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर जाएंगे तो स्मॉल फिशेस, और इसके ऊपर जाएंगे तो क्या आ जाएंगी, लार्ज फिशेस, ठीक है, लार्ज फिशेस, और ये है आपका बायोमास, ठीक है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, क्या होता है, इन्वर्टेड, ये ध्यान रखना है आपको, क्लियर है कि नहीं। और ये स्टैंडिंग क्रॉप की बात कर रहा है, मतलब फ्रेश वेट की बात कर रहा है, सिंपल सी बात है, क्लियर है, लिविंग बायोमास। ओके, अब आ गए एनर्जी के ऊपर, देखिए सबसे जो प्रोड्यूसर्स है इसके पास 10,000 जूल एनर्जी है, ठीक है, अब यहाँ से यहाँ कितना ट्रांसफर होगा, हमने पढ़ा है 10%, तो कितना बचा, 1,000 जूल, यहाँ से यहाँ फिर से 10% ट्रांसफर हुआ, कितना बचा, 100 जूल, यहाँ से यहाँ फिर से 10% ट्रांसफर हुआ, कितना बचा, 10 जूल, अगर इसके ऊपर और भी जाएगा मान लीजिए तो यहाँ कितना बचेगा, 1 जूल, कितना ट्रांसफर होगा, 10%, मतलब हर लेवल पे एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी रिड्यूस होती जा रही है, क्लियर है।
तो जब एनर्जी रिड्यूस होती जा रही है तो बेस हमेशा जो प्रोड्यूसर्स हैं हमेशा ये क्या बॉक्स इसका चौड़ा होगा, बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जो इसके ऊपर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी या टॉप कंज्यूमर हैं ये हमेशा इनके पास एनर्जी प्रोड्यूसर से कम होगी। तो ये पिरामिड हमेशा और हमेशा कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, मतलब एनर्जी पिरामिड विल ऑलवेज बी अपराइट। ठीक है, एनर्जी पिरामिड हमेशा ऑलवेज अपराइट होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कोई भी कंडीशन दे दे, चाहे एक्वाटिक दे दे, चाहे फॉरेस्ट दे दे, चाहे टेरिस्ट्रियल दे दे, ग्रासलैंड दे दे, कुछ भी दे दे, एनर्जी पिरामिड हमेशा अपराइट होगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए वो दे सकता है कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में अच्छा बताइए कि एनर्जी पिरामिड कैसा होगा, और फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कैसा होगा, टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड में कैसा होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये ध्यान रखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है टेरिस्ट्रियल है, एक्वेटिक है, ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, या कुछ है, और पॉन्ड इकोसिस्टम है, नथिंग। ठीक है, एनर्जी पिरामिड विल ऑलवेज बी अपराइट, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। रीजन क्या है? 10% ला किसने दिया था? लिंडमान ने। ठीक है, लिंडमान ने 1942 में दिया था, ये बताया वर्ल्ड वार के टाइम पे। पूरा नाम रेमंड लिंडमान, सर्च कर लीजिएगा आपको मिल जाएगा। और ये फिक्स नहीं है, लेकिन एवरेज नॉर्मली जितने भी इकोसिस्टम में देखे गए लगभग। और ये उन्होंने फाइंड कैसे किया था, ये फाइंडिंग कैसे हुई? ये फाइंडिंग हुई थी ट्रॉफिक जो लेवल था ना, इसको स्टडी करके कि लिमिटेशन कितनी तक जा रही है। 4 से 5 तक एवरेज पहुंच रहा था, तो उन्होंने देख लिया कि भाई 4 से 5 पहुंच रहा है, तो इसका मतलब इतने तक जाते जाते एनर्जी इतनी रिड्यूस हो जाती है, इसके आगे सिस्टम सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा चेन को। समझ रहे हैं ना? 4 से 5 तक जाते जाते ये लेवल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इसके आगे एक दो और चला गया गलती से, तो इसके बाद एनर्जी इतनी कम हो जाती है, कम बची रहती है इस पर्टिकुलर लेवल पे, कि ये कोई एक और चेन सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं ना? इसी के बेसिस पे इन्होंने निकाला कि अच्छा 10% जो है ट्रांसफ़र हो रहा है अप्रॉक्स, है कहीं लिखा उखा नहीं है ऐसे माथे पर, लेकिन ये स्टडीड है प्रॉपरली, तो रिसर्च के बेसिस पे इन्होंने स्टडी किया। लेकिन बाद में ये पता चला कि जिसमें चेन कम थोड़ी और, मतलब क्या बोलते हैं, लंबा चला जाता है, मान लीजिए कि 6 की जगह 8 चेन पहुंच गया, 10 पहुंच गया, ठीक है, तो उसमें देखा गया कि नहीं, हो सकता है ये ट्रांसफ़र जो है एवरेज, मतलब हमेशा 10 ही नहीं, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, 20% तक भी पहुँच सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाता है। ठीक है, अप टू 20, 15 ऐसे ही होता है, इसीलिए 10% लॉ जो है आज भी वैलिड है, ऐसा नहीं कि इसको हमने इनवैलिड करार कर दिया है। ठीक है, ओके, बस कहानी ख़त्म हो गई, अब इसमें कुछ नहीं है, अब बस रीडिंग है, आपको हम बता देते हैं, क्योंकि इससे नीचे जाएंगे तो एक एक्सेप्शन मिलेगा और क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एनी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट बायोमास और नंबर हैज़ टू इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म एट दैट ट्रॉफिक लेवल। कहने का मतलब जो भी कैलकुलेशन करेंगे तो उस पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे सबको हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम किसी एक को ले लिए बाकी को छोड़ दिए। नो जनरलाइजेशन वी मेक विल ट्रू इफ वी टेक ओनली फ्यू इंडिविजुअल एट एनी ट्रॉफिक लेवल इन टू अकाउंट। सिंपल सी बात है, हम कोई भी जनरलाइजेशन जो हम बनाते हैं, जनरलाइजेशन तो जनरलाइजेशन के लिए जितना सैम्पल साइज बड़ा होता है ना, सैम्पल साइज जितना बिग होता है, सैंपल समझ रहे हैं नहीं, उतना ही जनरलाइजेशन बेटर होता है। हम रिसर्च भी करते हैं तो हम कोशिश करते हैं, जैसे आप सर्वे करने वाली बात करते हैं, रिसर्च कर रहे हैं सर्वे वाला टाइप से, तो सर्वे में आप मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन कवर करेंगे उतना ही बढ़िया आपका रिजल्ट आएगा। पता चला कि आप पूरे यूपी के लिए सर्वे कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइप चीज़ के लिए, मान लीजिए एजुकेशन के लिए कर रहे हैं पूरे यूपी के लिए, और आपने स्कूल कितना पकड़ा है, 3 स्कूल, 3 प्राइमरी स्कूल के बेसिस पे आप पूरे यूपी का सर्वे निकाल दें, तो वो जो स्टडी होगी बहुत पुअर होगी, जनरलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा, या जनरलाइजेशन होगा तो ख़राब होगा, घटिया होगा, बहुत पुअर क्वालिटी का होगा। सिमिलरली यहाँ पे है, इस ट्रॉफिक लेवल पे मान लीजिए कि इतने ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं ना, तो इसमें से हम खाली इतने को लेके कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हमको पूरे को पूरे पूरे ऑर्गेनिज्म को कंसिडर करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, ऑल्सो अ गिवेन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल। कहने का मतलब जैसे हमने पढ़ा था ना फूड चेन में जैसे ये पढ़ रहे थे ना, फूड वेव का कॉन्सेप्ट भी दिया था, तो किसी एक पर्टिकुलर चेन पे मान लीजिए कि हो सकता है कि जो बी है, जो सी है, ठीक है, सी यहाँ पर भी हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, कहने का मतलब जो सी है यहाँ पर भी हो सकता है, मतलब जैसे हम चेन बनाते हैं, फूड वेव बनाते हैं ना, तो एक ही
एक ही इकोसिस्टम में एक ऑर्गेनिज्म दो तीन पोजीशन ऑक्यूपाई किया है, पता चला टर्शियरी भी बैठा है, पता चला कि सेकेंडरी बैठा हुआ, पता चला कहीं और भी बैठा हुआ है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम एक बार केवल कंसीडर करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। वन मस्ट, ये देखिए साइमल्टेनियसली एक ही बार, वन मस्ट रिमेंबर दैट द ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स अ फंक्शनल लेवल, ये ध्यान रखना है, ये फंक्शनल लेवल रिप्रेजेंट करता है, नॉट अ स्पीसीज एज सच। तो हम स्पीसीज की बात नहीं करते हैं, हम पूरे ट्रॉफिक लेवल की बात करते हैं। अ गिवेन स्पीसीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम, तो ये भी ध्यान रखना है, एक ही टाइम पे एक इकोसिस्टम में, मतलब सेम इकोसिस्टम में एक स्पीसीज मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई कर सकता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बना है और पूछ भी सकता है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिया है, स्पैरो इज अ प्राइमरी कंज्यूमर, सही बात है, सीड भी खाती है, लेकिन ये इंसेक्ट भी खाती है। वेन इट ईट्स सीड्स फ्रूट पी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर वेन इट ईट्स इंसेक्ट, मतलब ये ओमनीवोर्स की कैटेगरी में आ गई, अगर स्पैरो है तो ये ओमनीवोर्स की कैटेगरी में आ गई। कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं जो केवल और केवल हर्बीवोर्स हैं, उनकी बात नहीं हो रही, लेकिन ऐसी बर्ड्स जो क्या करती हैं, इंसेक्ट भी खाती हैं और सीड भी खा रही है, फ्रूट भी खा रही है, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये इसका मतलब क्या है, ट्रॉफिक लेवल इसका अलग है ना, एक कंज्यूमर मतलब कार्निवोर के लेवल पे भी है पड़ा हुआ, हर्बीवोर के लेवल पे भी पड़ा हुआ है। कैन यू वर्क आउट हाउ मेनी ट्रॉफिक लेवल्स ह्यूमन बींग्स फंक्शन एट इन अ फूड चेन, तो ह्यूमन बींग देखिए क्या है, हर लेवल पे मिल जाएगा, कार्निवोर टाइप से भी है, मांसाहारी भी है और सेम शाकाहारी भी है, तो वो भी ऐसे ही लेवल पे मिलेगा, समझ रहे हैं कि नहीं, वो ऐसे ही लेवल पे मिलेगा भाई, हर लेवल पे आदमी मिलेगा। मान ली प्रोड्यूसर है तो हम प्लांट को भी खाते हैं, घास फूस जो पालक सब वगैरह खाते हैं ना, सब्जियां जो होती है, और मान लीजिए बकरी है, गोट है, तो गोट को भी खाते हैं, ठीक है, गोट को भी खाते हैं ना हम, और मान लीजिए इसके ऊपर गोट को खाने वाले और भी लोग हैं तो उसको भी खा लेते हैं, लायन या मान लीजिए मिल गया ना तो उड़ा देंगे, ऐसा नहीं है, नेचर में बहुत कुछ खाने वाले लोग हैं, ठीक है। ये तो एक एग्जाम्पल था, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है बहुत है सारे, तो जो आदमी है ना वो बहुत सारे जो लेवल है ना, ट्रैफिक लेवल उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसको आप थोड़ा अपने लेवल पे और पढ़िएगा, ठीक है, अच्छा लगेगा आपको, जानने में थोड़ी सी जानकारी मिलेगी आपको तो और मज़ा आएगा पढ़ने में। इन मोस्ट इको सिस्टम ऑल द पिरामिड्स ऑफ नंबर एनर्जी एंड बायोमास आर अपराइट, मोस्ट की बात कर रहा है जनरली, दैट इज प्रोड्यूसर्स आर मोर इन नंबर बायोमास देन दी हर्बीवोर्स, ये हमने बता दिया, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है कोई एज सच, ठीक है। ऑल्सो एनर्जी एट लोअर ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज ये मोर देन दी हायर लेवल, ये भी हमने बता दिया कि भाई नीचे हमेशा एनर्जी ज़्यादा होगी, ऊपर हमेशा कम होगी, इसीलिए हमेशा क्या होता है, अपराइट होता है। कुछ एक्सेप्शन है इस जनरलाइजेशन के, उसकी बात कर रहा है, क्या क्या एक्सेप्शन है, यहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जो एक्सेप्शन है इधर से ही क्वेश्चन बनता है। इफ़ यू वर टू काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट फीडिंग ऑन अ बिग ट्री, बहुत बड़ा सा एक ट्री है सपोज ऐसे, अब इस पे क्या करना है आपको, क्या करना है, इंसेक्ट काउंट करना है ऐसे, मान लीजिए इस पे इंसेक्ट बैठे हुए हैं, ट्री अकेला है, ठीक है, तो इंसेक्ट का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इंसेक्ट का नंबर बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ट्री क्या है, अकेला है, तो प्रोड्यूसर जो होता है अकेले है पता चला, और नंबर इस पे इंसेक्ट कितने बैठे हैं, 1000 इंसेक्ट बैठा हुआ है, ठीक है, और बर्ड कितनी बैठी हैं, मान लीजिए कि बर्ड्स बैठी हैं इस पे 100, हो समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये देख रहे हैं कैसे बना स्ट्रक्चर इसका, देखिए प्रोड्यूसर अकेला है बेचारा, ठीक है, और जो हर्बीवोर, ये क्या बोलते हैं, इंसेक्ट जो हैं जो इनके इसके ऊपर फीड कर रहे हैं, सपोज इनका नंबर 1000 हो गया, इतना ज़्यादा हो गया, और इसके ऊपर जो बर्ड्स हैं इनका फिर से नंबर कम हो गया, देख रहे हैं कैसा स्ट्रक्चर बना, तो ऐसे भी पॉसिबिलिटी है, दीज आर द एक्सेप्शन टाइप, ओके, मतलब कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं बना। व्हाट काइंड ऑफ पिरामिड वुड यू गेट, यही है नाउ एड ऑन, तो ये कैसे बनेगा, ये एक्चुअली में ऐसा पिरामिड टाइप से बनता है ऐसा, ठीक है, इसको कौन सा शेप बोलते हैं बताइएगा जरा, हाँ कौन सा शेप है, ये जो होता है ऐसे, ये कौन सा शेप बनता है, मतलब जिसमें बीच में चौड़ा होगा और दोनों साइड में छोटा पतला होगा, आप बताइएगा हमको, ठीक है। नाउ एड एन एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ स्मॉल बर्ड डिपेंडिंग ऑन द इंसेक्ट, ऑल्सो नंबर ऑफ लार्ज बर्ड्स ईटिंग द स्मॉलर वन,
ड्रॉ शेप वी वुड लाइक। तो ये देखिए बोर्ड वालों के लिए है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपसे क्वेश्चन नीट में अगर पूछेगा तो ये समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा पैराडॉक्स बोल रहा है, देखिए दूसरा, यही मैं बता चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, सी के केस में इन जनरली इन्वर्टेड बिकॉज बायोमास ऑफ फिशेज फार एक्सीड दैट फाइटोप्लैंक्टन। पहले ही बता दिए हैं कि बायोमास जो फाइटोप्लैंक्टन का होगा बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन बिग फिशेज जो होती है ना इनका बायोमास बहुत बड़ा होता है। तो इसी के लिए हमने ऊपर बताया था स्ट्रक्चर की, एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये वाला जो केस बनता है कैसे बनेगा, यहाँ पे ये बायोमास है फाइटोप्लैंक्टन का और ये बायोमास किसका है, ये फिशेस का, बिग फिशेस का। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ठीक है, मतलब इसको प्रॉपर बना लीजिए भाई, नहीं तो आप कहेंगे ऐसे बना रहे उल्टा सीधा, ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। इसको और छोटा कर सकते हैं क्योंकि बहुत डिफरेंस होगा, ठीक है, ये हो गया एजेंट दैट पैराडॉक्स। हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस, कोई पैराडॉक्स नहीं है, सब सही है। पिरामिड ऑफ, अरे पैराडॉक्स कहाँ से हो गया यार, फाइटोप्लैंक्टन है, अब फाइटोप्लैंक्टन डिवाइड होता जाएगा, ग्रो करता जाएगा, ये खाती जाएंगी, ये खाती जाएंगी, तो ये फिशेस का लाइफ लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है ना, लाइफ स्पैन। अब वेल है, सील है, उसके बाद शार्क है या अदर जो ऐसी मछलियाँ हैं, तो उनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू फाइटोप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन ग्रो करेगा, ये सब खाते जाएंगे, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जब हम इसके बायोमास को काउंट करेंगे, बायोमास को कैलकुलेट करेंगे और इनके उसी टाइम पे इनके करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इनका ज़्यादा आएगा ना। दिस इज द पैराडॉक्स, दिस इज मतलब यू सी दिस पैराडॉक्स, बट ये पैराडॉक्स है नहीं, ठीक है, ये पैराडॉक्स नहीं है। मतलब हर चीज़ को आपको लगता है कि एकदम जब तक खोल के बता ना दो ना तब तक आपको कुछ समझ आता नहीं ढंग से। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, बता दिए हैं, कैन नेवर बी इन्वर्टेड, क्यों, क्योंकि हर लेवल पे एनर्जी जो है लॉस होती है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। ईच बार इन द एनर्जी पिरामिड इंडिकेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन अ गिवन टाइम आर एनुअली पर यूनिट एरिया। इसमें कुछ और जो है चीज़ ये आपको ध्यान रखिएगा, लिमिटेशंस की बात करता है यहाँ पे, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के क्या लिमिटेशंस है, ठीक है, क्या क्या लिमिटेशन है। पहली बात क्या है, ये वैसे ऑर्गेनिज्म को कंसीडर नहीं करता है दो से, जो कि दो से ज़्यादा है, दो या दो से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल को क्या करते हैं, ट्रॉफिक लेवल में पाए जाते हैं। जैसे देर आर सर्टेन लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड सच एज इट डज नॉट टेक इन टू अकाउंट द सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू टू और मोर ट्रॉफिक लेवल्स। हमने बोला था ना पहले, एक ही बार काउंट होता है बस, इट एज्यूम्स। दूसरा क्या है, इट एज्यूम्स सिंपल फूड चेन। अरे भाई इसमें हम ऐसे बनाते हैं ना, तो सिंपल फूड चेन बना रहे हैं, इसमें हम फूड वेव के एस्पेक्ट को जो है, फूड वेव के एस्पेक्ट को काउंट नहीं करते हैं, किसको करते हैं, फूड चेन को करते हैं केवल काउंट। तो जितने भी हम पिरामिड देखे ना, फूड चेन के बेसिस पर थे, फूड वेव के बेसिस पर नहीं थे, तो ये एक लिमिटेशन हो गया इसका, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं, इस फॉर्म में भी दे सकता है कि जितने भी पिरामिड बनते हैं वो फूड चेन के बेसिस पे बनते हैं, ना कि फूड वेब के बेसिस पे, ठीक है, समझ रहे कि नहीं। जबकि नेचर में कौन एग्जिस्ट करता है, नेचर में फूड वेब एग्जिस्ट करता है, फूड चेन यूजुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, समथिंग दैट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर, इट डज नॉट एकोमोडेट द फूड वेब, यही है, ठीक है। मोर ओवर सेप्रोफाइट्स आर नॉट गिवेन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड। किसी भी लेवल पे हमने सोचिए डीकम्पोजर्स का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है इकोसिस्टम में, लेकिन हमने अभी किसी भी लेवल पे ट्रॉफिक लेवल में डीकम्पोजर्स को देखा क्या, नहीं देखा। तो डीकम्पोजर्स जो है या सेप्रोफाइट जो है ना, इनको ट्रॉफिक, ये जो पिरामिड है इसमें कोई प्लेस नहीं दिया गया है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। हालांकि ये बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं, हमने बता दिया कैसे वाइटल रोल, न्यूट्रिएंट की, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड का टॉपिक ख़त्म होता है और इसी के साथ पूरा इकोसिस्टम का टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से और पूरी चीज़ों को रिवाइज करेंगे, और एग्ज़ाम जाते जाते हम तो कोशिश कर रहे हैं ऐसा कि अगर आप 11th में हैं तो भी और 12th में हैं तो भी बाई दिसंबर, दिसंबर 2024 चल रहा है ना, यस, बाई दिसंबर 2024 बायोलॉजी एकदम आपकी रेडी होनी चाहिए। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, ताकि आप दिसंबर से एग्ज़ाम तक सबसे ज़्यादा फोकस जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री पे लगा दें, क्योंकि एग्ज़ाम में आप जो हिलते हैं ना, इसी की वजह से हिलते हैं, बायोलॉजी की वजह से यूजुअली आप हिलते नहीं हैं, ठीक है। बायोलॉजी में आपको लगता है कि अच्छा पढ़े तो है, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन लगाना तो है नहीं, दिमाग बहुत ज़्यादा है नहीं लगाने का, कॉन्सेप्ट बहुत कम जगह आता है,
कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है लेकिन कम आता है, जो लिखा है एनसीईआरटी में वही उठा देता है। तो इसको इस टाइम के बाद, दिसंबर के बाद ना, 1 घंटे भी डेली पढ़ देंगे ना तो भी आपको गारंटी बोल रहे हैं 350 प्लस नंबर आ जाएगा। इसलिए आप कोशिश करिए कि बायोलॉजी की प्रिपरेशन ढंग से करिए। चलिए मिलते हैं, एक मैं स्ट्रेटजी वीडियो और बनाऊंगा, उसमें कुछ बताता हूँ आपको। थैंक यू वेरी मच, डू वॉच, डू शेयर, डू सब्सक्राइब, डू लाइक, सब कुछ कर दीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए।